तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्ति गेमर यूट्यूब चैनल। और आप सबका वापस से स्वागत है फ्री फायर में। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बंदा तो माइनक्राफ्ट खेलता है, फ्री फायर में क्या ही प्रो होगा। तो ना हम लोग प्रो है ना नूब है, गेम प्ले देख के आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि हम प्रो है या फिर नूब। लेकिन जो है भाई खतरनाक है, बस इतना मैं जानता हूँ। तो हुआ क्या है कि हमने एक राउंड जो है कट कर दिया है, जो कि गन वाला वो पिस्टल वाला राउंड होता है। तो पिस्टल वाला राउंड हम लोग वैसे भी नहीं गिनते, इसलिए मैंने उसको हटा दिया है। और पिस्टल वाले राउंड में जिस हिसाब से ये लोग चढ़ाई कर रहे थे, मुझे लगता है भाई बहुत ही गंदा मारने वाले हैं। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो अपनी टीम ने चढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया भाई, अपनी टीम तो आगे ही घुसती चली जा रही। अबे तुम लोग जिस हिसाब से घुस रहे हो उसी हिसाब से मार भी खाओगे, क्योंकि जो ज़्यादा घुसता है वो ज़्यादा मार भी खाता है। ये लो एक को पड़ी, बोल रहा था मत घुसो। अबे दूसरा भी गया। अबे क्या हैकर वैकर चल रहा है क्या? अबे तीसरा भी गया। अबे ये क्या चल रहा है? हाँ हो क्या रहा है भाई? और मैं भी चला गया। ओहो, बोला था कि स्ट्रेटजी से खेलो, एक बार में नहीं घुसते सीधा। चलो कोई नहीं, अब की बार देखते हैं। और जो गन ली हुई है मुझे नहीं लगता इससे हम लोग निकाल पाएंगे, पर ट्राई करते हैं। भाई ये गन मैं चला ही नहीं पाता हूँ, बहुत ही ख़राब गन है ये। ना एक भी हेडशॉट लगते हैं ना कुछ भी लगता है, बस मैं ले लिया इसको शान मारने के लिए। और भाई घुस मत, ले गया। बोल रहा हूँ घुसो नहीं, लेकिन मानते रहे बंदे। अबे ये तो इधर ही आ रहा है, देख रहा अब ये लोग घुस रहे हैं। चलो कोई नहीं, आ जा आ जा आ जा, एक बार इधर आ जा। अबे पूरी स्क्वाड ही आ गई, लो। वाह भाई, मैं इधर अकेला खड़ा हूँ 1v3 करने के लिए खड़ा हूँ क्या? इधर अपना मैगजीन वो कॉन्ग बढ़ के खड़ा है भाई, मार सेम टू सेम गन लेके रखी है। और ये गन ज़्यादा चलती नहीं मुझे भी पता है, पर जब चलती है तो अच्छे है खासे बंदे रो देते हैं इसके सामने। और भाई ये वो कॉन्ग, अबे कितने वो कॉन्ग आ गए मेरे एक ही टीम में। चलो कोई नहीं, अपने टीम तब भी बहुत ही अच्छा खेल रही है, पर अगली चांस में इनको देखते हैं। और अब जो भी है वो कॉन्ग ही है, लाइफ दे दो भाई इसको, कुछ भी करके जिता दो। वैसे अभी एक ही एक हुआ है तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पड़ा तो हम लोग पीकिंग पे उतर आएंगे। चलो इसके बाद हम लोग पीकिंग ही करेंगे। और अपना वो कॉन्ग चला गया भाई, अभी पीकिंग की बारी आती है तो हम लोग चढ़ जाएंगे किसी ऊंची जगह पे और वहीं से मारेंगे बंदों को। हम दिखाते हैं कितने बड़े वाले पीकर हैं भाई हम। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। आगे बढ़ते हैं और मैच तो अपना चल ही रहा है। चलो फिर चलते हैं किसी ऊंची जगह को ढूंढते हैं। और सबसे ऊंची जगह यहाँ पे कौन है? आ गए हम लोग सबसे ऊंची जगह पे, पर अभी तक एक भी बंदा नहीं दिखा है। हमारे टीममेट्स को पड़ रही है पर मुझे बंदा ही नहीं दिख रहा है। आ गया आ गया आ गया, आ जा भाई आ जा भाई, उसको पता ही नहीं मैं ऊपर हूँ। ये लो, सच में नहीं पता कि मैं ऊपर हूँ, मुझे लगा पता होगा। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। ये लो बंदे ने नॉक कर दिया भाई, किल चोरी कर लिया मेरा। वैसे इसको किल चोरी करना नहीं बोलेंगे, उसकी प्रोनेस बोलेंगे। और एक बंदा और आ गया इधर, ग्लूवॉल पे ग्लूवॉल लग रहे हैं, तीन चार प्रकार की ग्लूवॉल लग गई। मेरे होते हुए रिवाइव करेगा भाई। इधर देखो पहले ऊपर कौन है, ऊपर ऊपर रक्ति बैठा हुआ है यहाँ पे। अभी एक लास्ट बंदा बचा है, उसको ढूंढने में बहुत दिक्कत आने वाली है। शायद फैक्ट्री के ऊपर चढ़ाओ, क्या पता, आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है, सभी लोग फैक्ट्री के ऊपर ही चढ़ जाते हैं, वहाँ पे जहाँ से फैक्ट्री के ऊपर जाने का रास्ता है। और बंदा दिख गया दिख गया दिख गया दिख गया, नीचे ही है, ऊपर नहीं गया है, वहीं ग्लू वॉल के पीछे घूम रहा है वो। और लगता है हमारे बंदे संभाल लेंगे क्योंकि सभी लोग उसी तरफ जा रहे हैं। और हमारा बंदा फैक्ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है यार। अबे प्रो की तरह खेलो यार, एक क्या सिस्टम चल रहा है तुम लोगों का। लो गया एक और विक्ट्री। अब भी आया ना अपना सबसे अच्छा मैप, अब भी मज़ा आएगा बिड़ू, अब आ जाओ तुम लोग। अभी ये क्या मशरूम की खेती करने लगा? अबे भाई कितने पैसे तेरे पास, इतने मशरूम आ रहे तेरे पास? ये देखो ऐसे ऐसे मेरे टीममेट है भाई, इसको पूरा पता है पक्का कि अब की ये राउंड हम ही जीतेंगे, पूरा पता है, तभी वो सारे पैसे खर्च कर दे रहा है। चलो अच्छी बात है। और असली मामला अब होगा क्योंकि वो लोग इधर से आ रहे हैं, मैंने सोचा कि सामने से जाएंगे। एक बंदा दिख गया, अरे किल चोरी कर लिया मेरा। भाई यार किल चोरी करने में बहुत ही माहिर हो तुम लोग। एक बंदा इधर से आ रहा है भाई, मैं पीकिंग कर रहा हूँ तो क्या तुमको लगता है कि मैं नूब हूँ? हैं, पीकिंग कर रहा हूँ तो नूब लग रहा हूँ मैं? चुप चुप को खेलो तो लोग नूब ही समझने लगते हैं। और एक बंदा सामने घूम रहा है, वो देखो वो खोपड़ी दिखी भाई, हम लोग खोपड़ी पे हेडशॉट मार सकते हैं, पर अगर हम लोग खड़े होंगे तो उधर से भी गोली चलने लगेगी, तो यही दिक्कत होती है, बाकी और कुछ नहीं। हम लोग मार भी सकते हैं खोपड़ी पे, जैसे कि थोड़ी थोड़ी खोपड़ी दिख रही है उसकी, पर क्या करें, नहीं मारेंगे वरना हम भी चले जाएंगे। और ये मैच बड़े आराम से अपने अंडर में आ जाएगा। लो आ भी गया, ख़त्म भाई ख़त्म। ये लो हेडशॉट पे हेडशॉट पड़ रहे हैं,
अबे बच गया, मुझे लगा उसी को मारा था, वही तो लास्ट बंदा था। अच्छा अभी वो वहीं पे है, दूसरा कोई बंदा मरा है। सामने वाली टीम में मुझे लगता है हेडशॉट हैकर था, पर अपनी टीम इतनी खतरनाक खेल रही है कि हैकर के भी ऐसी तैसी हो जाए। और इसने वापस से मशरूम की खेती कर दी। अबे भाई तुम पूरे पैसे क्यों बर्बाद करते हो, अभी एक राउंड बचा है अब आग खेलने को। और ये जगह जानते हो, ये मेरी सबसे फेवरेट पीकिंग करने की जगह है। यहाँ से मैं खड़े खड़े इतने किल कर देता हूँ, किसी ने सोची ना होगी। मतलब चार ही करता हूँ, क्लास स्क्वाड है और क्या। और भाई बंदा ऊपर चढ़ गया है, वहाँ भी ख़तरनाक जगह है क्योंकि वहाँ से भी किल मिलते हैं बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है मेरा ही किल होगा। और एक बंदा दिख गया, लेकिन उसको हम लोग मारेंगे नहीं। एक और दिख गया ऊपर खड़ा है, ए भाई आ जा, आ गया, रेंज में आ गया, अब तो गया भाई। ग्रोजा की ऐसी तैसी कर देता है ग्रोजा। तो एक बंदा और चला गया और अब एक लास्ट बंदा बचा है, और ये लो वो भी चला गया। इसी के साथ हमारा बूझा हो चुका है दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हैकर था अपनी गेम में, इसलिए हमको पीकिंग करना पड़ा, बाकी ज़्यादा पीकिंग नहीं करते हम लोग, सीधे ही मारते हैं उसके।